हेलो टीचर्स, ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है कि कैसे आप अपने स्कूल का या कॉलेज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कैसे अपना लिंक को एक्सेस करेंगे उस मोबाइल एप्लीकेशन में, और कैसे असाइनमेंट देंगे बच्चों को। ठीक है, तो ये सारे टास्क, ये तीनों टास्क हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना होगा। प्ले स्टोर में आपको कैंपस कनेक्ट सर्च करना होगा। लिख के यहाँ देख रहे होंगे आप, थर्ड ऑप्शन कैंपस कनेक्ट एपीटी सॉल्यूशन सर्विसेज आ रहा है, इसे टैप करना होगा और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया और ओपन के लिए कह रहा है, तो मुझे इसको क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ हम अब पहली बार जब लॉगिन स्क्रीन में आता है तो मुझे लैंग्वेज चूज़ करने के लिए भी हर इंडिविजुअल को ये ऑप्शन मिलता है कि वो इंग्लिश या हिंदी में इस ऐप को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको इंग्लिश के लिए रख रहा हूँ। जो भी यूज़र इसे हिंदी में चाहते हैं वो हिंदी सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ऐप हिंदी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे स्क्रीन्स आएंगे, हमें इसको करके और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फिर हमें सर्च ऑप्शन आ जाएगा। सर्च ऑप्शन में हमें अपना स्कूल का नाम या अगर हमें यूआरएल पता है अपने स्कूल का तो वो दोनों में से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आपका अगर स्कूल का नाम है तो आप डायरेक्ट स्कूल का नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि सरनेम हो गया तो जैसे लिखा आ गया, ये देखिए टैप करेंगे आ जाएगा। अभी सेंट जेवियर है तो वो लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही मेरा डेमो पे है जिस पे मैं ये सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। तो डेमो जैसे ही क्लिक किया उसका पूरा प्रोफाइल आ गया और मैंने साइन इन पे क्लिक किया। इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मैं एज अ एम्प्लॉय अभी लॉग इन करने वाला हूँ जिससे मैं ये बता पाऊँ कि एम्प्लॉयज़ कैसे अपना अपने लॉग इन करने के बाद असाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के एंटर किया तो ऐसा हमें स्क्रीन दिखेगा जिसमें हम सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं असाइनमेंट का है। ठीक है, जब हम असाइनमेंट के अंदर आएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि हमने क्या असाइनमेंट पहले से दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश होमवर्क करके मैंने दे रखा है, जो सब्जेक्ट इंग्लिश में है, किस पर्टिकुलर बैच के लिए है, मतलब क्लास 1A 2021-22 किस पर्टिकुलर क्लास या बैच के लिए ये है, और इसकी ड्यू डेट क्या है, कब तक लास्ट इसको सबमिट करना है ये होमवर्क। और जो जो होमवर्क मुझे सबमिट होता रहेगा उतने नंबर ऑफ, यहाँ जैसे 1 दिख रहा है, अगर 4 बच्चों ने मुझे होमवर्क सबमिट कर दिया और मैंने चेक नहीं किया तो ये आगे 4 दिखाता रहेगा। और जब भी मैं इस पर टैप करूँगा, ठीक है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने होमवर्क दिया क्या था, उसमें कंटेंट क्या लिखा था, अगर कोई पीडीएफ फाइल या कुछ भी लगाया था तो वो क्या था, और कभी भी इस पीडीएफ या वर्ड इन सब फाइल पे मैं चाहूँ तो टैप करके मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने होमवर्क दिया क्या था। इसके लिए फिर आप ऊपर देख रहे होंगे ओवरव्यू के बगल रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के बगल ऑल अटेंडेंस। तो रेस्पॉन्स में जब मैं जाऊँगा तो वो जो एक दिखा रहा था, ठीक है, वो ये एक यूज़र है CC21 जिसने सबमिट किया है ये असाइनमेंट। ओके, तो इसको मैं कभी भी व्यू कर सकता हूँ। जब मैं व्यू करूँगा तो ये इंग्लिश वर्क कंप्लीटेड ये लिखा हुआ है नीचे, और अब मैं दो एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, या तो इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ या तो इसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। ओके, मान लेते हैं कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अटेंडीज को देख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखूँगा, जब मैं इन्हें व्यू कर रहा था यहाँ पे एक्सेप्टेड मतलब ये दिखाता जाएगा। ठीक है, ऑल अटेंडीज हमें ये दिखेगा कि हमने किसे किसे ये होमवर्क दिया है। ठीक है, किसे किसे ये होमवर्क दिया है वो लिस्ट वो खुल के आ जाएगी, और ये है किसका किसका रिस्पॉन्स आया है और किसको आपने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। यहाँ पे ये आइकन दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे C2 यूज़र 1 में CC21 को मैंने इसका होमवर्क अभी आपके सामने एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे एक्सेप्टेड का वो बन गया। ठीक है,
अब मान लीजिए मैं एज अ टीचर मैंने बैक किया, यहाँ आ गया जो था, मुझे एक और होमवर्क देना है, तो मैं नीचे दिए हुए प्लस आइकन पे टैप करूँगा, ठीक है, जिस भी क्लास से मैं एसोसिएटेड हूँ, जिस सब्जेक्ट और जिस क्लास से मैं एसोसिएटेड हूँ, मेरे वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद मुझे वो चूज़ करना है कि ए या बी किस में मैं करने वाला हूँ, इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश असाइनमेंट या इंग्लिश होमवर्क 2.0, ठीक है। मैं यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ कंटेंट अपने होमवर्क का कि प्लीज डू एक्सरसाइज 2.4 फ्रॉम, आई कैन राइट इट डाउन, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू अटैच माई एनी फाइल और एड एनी फाइल, आई कैन डू इट। ओके, जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द फाइल। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आई एम पिकिंग अप आई कैन पिक अप एनी थिंग, ओके, देन आई कैन सेलेक्ट द ड्यू डेट ऑन विच आई वॉन्ट दैट कि इस पर्टिकुलर डेट तक ये पर्टिकुलर असाइनमेंट हमें सबमिट हो जाए, ये वो ड्यू डेट होगी या वो एंड डेट होगी जिससे पहले हमें चाहिए कि असाइनमेंट सबमिट हो जाए, ठीक है। तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली चूज द, आई कैन चूज द डेट हियर लाइक दिस, 14th May 2000, सो आई हैव सेलेक्टेड 14th May 2021 एंड बिलो आई कैन सी कि स्टूडेंट्स 0 सेलेक्टेड एंड चेंज। तो इफ आई क्लिक ऑन चेंज आई विल बी एबल टू सी ऑल द क्लास फर्स्ट ए स्टूडेंट्स, ओके, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ऑल स्टूडेंट एंड कैन सेव इट। ओके, आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स आई कैन बी एबल टू सी कि 66 नंबर ऑफ स्टूडेंट आई हैव सेलेक्टेड फॉर दिस होमवर्क, आई हैव ऑल्सो अपलोडेड फाइल, आई हैव रिटन वॉट कंटेंट आई वॉन्ट टू राइट इट डाउन फॉर होमवर्क फॉर दैट स्टूडेंट्स। वो सारी चीज़ें लिखने के बाद मुझे क्रिएट पे क्लिक करना है और ये भी होमवर्क इंग्लिश होमवर्क 2.0 ये भी बन के आ गया। जब हम पीछे जाएंगे तो हम देख सकते हैं अब यहाँ पे 2 होमवर्क है। तो ऐसे हमें होमवर्क देना है और देने के बाद हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि कितने लोगों ने होमवर्क दे दिया है, और जो हम चेक नहीं करेंगे जब तक वो यहाँ पे अभी जैसे 1 दिखा रहा था, यहाँ पे उसके आगे वो रिस्पॉन्सेस दिखाता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप होमवर्क मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे अगर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, एडमिन हैं, जो ये भी मॉनिटर करना चाहते हैं कि कौन सा टीचर क्या होमवर्क्स दे रहा है, तो जैसे इसी यूज़र को अगर मैं प्रिविलेज देता हूँ असाइनमेंट व्यू करने की, तो वो पूरे इंस्टीट्यूट में कौन सा टीचर क्या असाइनमेंट दे रहा है अपने अपने सब्जेक्ट के लिए, वो व्यू कर सकता है, ठीक है। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे अभी इसी असाइनमेंट पे मैंने अब क्लिक किया, तो अभी सिर्फ ये ऑप्शंस नहीं आ रहा था, माय सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट, ओके, सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट डायरेक्ट दिखा रहे थे। तो अब जब मैं ऑल सब्जेक्ट में जाऊंगा और ये ऊपर ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे टिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी स्कूल में बैचेस होंगे वो सब दिखेंगे। अब मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ये क्लास पिक किया, तो मैं एज अ प्रिंसिपल या एडमिन आई विल बी एबल टू सी ऑल द होमवर्क्स जो जो दिए गए हैं इस क्लास को, ठीक
कब दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, लोगों के रेस्पॉन्स क्या रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि मैं सब मॉनिटर कर सकता हूँ कितने चेक हुए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसमें, जो बहुत सारे हमारे स्कूल्स कॉलेजेस डिमांड कर रहे थे, तो हमने वो अपने असाइनमेंट में अपडेट लाया है। होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे और आप समझ पाए असाइनमेंट मॉड्यूल एज अ टीचर की कैसे यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ असाइनमेंट मॉड्यूल अच्छे से बताया गया है और आप इसका मैक्सिमम यूज़ अप कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट करिए कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू।